हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, आने वाला टाइम जो आप लोगों को पता ही है कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की डिमांड भले ही थोड़ी सी इस टाइम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को कम मिल रही है, बट लेकिन आने वाले टाइम में जो है आईटी सेक्टर जो है दोबारा से अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ जाने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके साथ में जुड़ने वाली है, आईटी सेक्टर के साथ में, और कहीं ना कहीं जुड़ भी चुकी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आईटी सेक्टर की कंपनियों के साथ में जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो एक बूस्ट मिलने वाला है आईटी सेक्टर की कंपनीज को, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में दे सकता है अगर आज आप उन स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक आईटी सेक्टर का एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जो अफोर्डेबल प्राइस पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से बाउंस बैक करते हुए आपको नजर आएगी। तो चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को कि कौन सा शेयर है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना, बैलेंस शीट को जानना, प्रॉफिट को जानना भी बहुत जरूरी होता है, ना कि एक नाम जानना कि इतना जरूरी होता है कि कंपनी की कामकाज कैसा है, कितनी प्रॉफिट है, कितनी सेल्स हो रही है, क्या कुछ कंपनी का कामकाज है, तो ये जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर स्टॉक के मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 13,689 करोड़, यानी कि लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 499 की 500 रुपए के आसपास जो है इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई की अगर बात करूं 52 वीक की तो 801 रुपए का 52 वीक हाई और 243 रुपए का लो है। पी रेशियो 49.9 और बुक वैल्यू 47.8 है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स जो है बुक वैल्यू से ऊपर इस टाइम ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात अगर मैं डिविडेंड की करूं तो कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.30% का। आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत ही शानदार है, 24.5% और 21.8%। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, यानी कि इन फ्यूचर चल के अगर कंपनी स्प्लिट देती है तो 1:10 का स्प्लिट आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बात अगर इसकी कंपनी की अच्छाइयों और बुराइयों की बात करूं तो सिर्फ एक ही कमी जो स्टॉक में देखने को मिल रही है, वो कमी भी नहीं कह सकता मैं, कि बुक वैल्यू से जो है 10 टाइम्स ऊपर ये स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.45%, यानी कि कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड भी पे करती है, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन में देखिए कंपनी के कौन कौन है, कंपैरिजन में टाटा, एलेक्सी, एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, ओरेकल, परसिस्टेंट सिक्योरिटीज, कॉफरेज, यानी कि जो टॉप की आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो इस कंपनीज के पीयर कंपैरिजन में हमें देखने को मिल रही हैं। बात अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की करूं तो सेल्स देखें आप 652 करोड़ की क्वार्टर फोर के अंदर हमें देखने को मिली थी, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है ग्रोथ सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी के पास वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 121 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर फोर के अंदर इस टाइम हमें देखने को मिला है। बात अगर मैं इसके देखिए नेट प्रॉफिट की करूं तो 79 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो 97 करोड़ का जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। बात अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की देखिए ईयर टू ईयर बेसिस पे करूं तो सेल्स देखें 2019 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 641 करोड़ की सेल्स थी, फिर 2156 करोड़ की 2020 के अंदर, फिर 2036 करोड़ और फिर 2432 करोड़ की क्वार्टर फोर के अंदर हमें सेल्स देखने को मिली। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ 92 करोड़ से बढ़ के आज 450 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का हो चुका है। बात अगर मैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की करूं तो 3 साल में 56% और लास्ट ईयर जो है 19% की देखने को मिली। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 3 साल में 51% की रही है और 1 साल के अंदर 94% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ भी, यानी कि ओवरऑल अगर बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है दोनों ही अच्छी खासी मूवमेंट में हमें देखने को मिल रही है, बट एज कंपेयर टू सेल्स प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिला अब की बार के रिजल्ट्स के अंदर। बात अगर मैं शेयर के नाम की करूं तो देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। केपीआईटी इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट विल हेल्प मोबिलिटी लीप फॉर टुवर्ड्स ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर विद 6,000+ ऑटो मोबिलीवर्स अक्रॉस द ग्लोब स्पेशलाइजिंग इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, यानी कि कंपनी का नाम है केपीआईटी और दो विद डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना। तो एक ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट में भी जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का एक अच्छा खासा दबदबा भी हमें देखने को मिल रहा है।
बात अगर इसकी ग्लोबल प्रेजेंस की करूं तो देखिए द कंपनी हैज बीन अर्निंग अराउंड 41% ऑफ इट्स रिवेन्यू फ्रॉम यूएसए फॉलोड बाय यूरोप 39% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 20%, यानी कि सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो है यूएसए से कमाती है कंपनी 41% और उसके बाद जो है यूरोप से कमाती है लगभग 40%। तो कंपनी जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू कमाती है वो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए से कमाती है, और यूएसए से अगर 41% का जंप आ रहा है और 40% का जो है यूरोप से आ रहा है तो कहीं ना कहीं 70-80% के आसपास जो रिवेन्यू वो बाहर के देशों से आ रहा है और बाकी का जो 20% है वो बाकी सभी देशों से जहां जैसे चाइना है जापान है उनके थ्रू जो है कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। प्रेजेंटली द कंपनी अर्न 75% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स फॉलोड बाय कमर्शियल व्हीकल्स एंड अदर्स। रिवेन्यू ब्रेकअप की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो रिवेन्यू है वो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमी को पूरा करते हुए देखने को मिल रही है केपीआई की टेक्नोलॉजी। बात अगर मैं इसके ओवरऑल मैक्सिमम चार्ट की करूं तो 26 अप्रैल 2019 को जो शेयर का प्राइस था 108 रुपये था और अभी 3 सालों के अंदर जो है कंपनी वो 361% के रिटर्न अभी तक अपने निवेशकों को दे भी चुकी है, यानी कि एक ओवरऑल अगर बात करूं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग रही है, परफॉर्मेंस उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा सा डाउन है तो इसलिए स्टॉक आपको 800 रुपये से गिर के 500 रुपये पे इस टाइम अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए कोई ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, 1040 करोड़ के तो कंपनी के पास इस टाइम रिजर्व भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से 200 करोड़ के आसपास का कर्ज हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसमें से 1040 करोड़ के आसपास तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी अवेलेबल हैं। बात अगर मैं इसके देखे टोटल एसेट्स की करूं तो लगभग 2500 करोड़ के आसपास के टोटल एसेट्स कंपनी के पास अभी अवेलेबल है और प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आप 40% की प्रमोटर होल्डिंग है और FII अगर DII की होल्डिंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैं इस शेयर को नहीं बताता आप लोगों को, लेकिन FII और DII की जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी हमें देखने को मिली है, लगभग 30% के आसपास जो है FII और DII की दोनों की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 30% के आसपास देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में जो है एक बहुत ही बढ़िया मल्टीबैग रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आने वाला है और आज की आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको आने वाले टाइम में जो है बहुत ज्यादा मुनाफा इस स्टॉक से दे सकती है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।